नमस्ते बच्चों, आज हम बात करेंगे जंतुओं और पौधों में समानता तथा अंतर के बारे में। आपने तो देखा ही होगा कि हमारे आसपास के परिवेश में अनेक प्रकार के जीवधारी मिलते हैं, पेड़ पौधे और जानवर। कहीं पर छोटे छोटे पौधे होते हैं तो कहीं झाड़ियाँ होती हैं, कहीं बड़े बड़े पेड़ यानी वृक्ष होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी आसपास घूमते हुए मिल ही जाएंगे। इन जीव जंतुओं को ध्यान से देखते हैं तो इनकी रचना और लक्षणों में कुछ समानता तो दिखाई देती ही है, पर साथ साथ बहुत कुछ अंतर भी दिखाई देता है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में, कि कैसे पेड़ पौधे या जीव जंतु अपने जीवन काल में बड़े होते हैं। चलिए देखते हैं वृद्धि क्या होती है। जिस प्रकार हम इंसानों में वृद्धि होते हुए देखते हैं, क्या उसी प्रकार से पौधों में भी वृद्धि होती है? देखो बच्चों, बताओ यह पौधा किसका है? सही पहचाना, यह टमाटर का पौधा है। जैसे जैसे पौधों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसमें नई शाखाएं और पत्तियां निकलने लगती हैं। बाद में उसमें फूल और फल भी बनने लगते हैं। किंतु जंतुओं में पौधों की शाखाओं की तरह नए भाग नहीं बनते, बल्कि विभिन्न अंगों के आकार में वृद्धि होती है।